वर्ल्ड कप जीतने के बाद ईडी ने ऑस्ट्रेलियन पीएम के घर मारा छापा। वर्ल्ड कप हार के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम का बदला गया नाम। टीएमसी नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किया बड़ा दावा। विश्व कप टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद क्रिकेट प्रशंसक काफी मायूस हैं और वे अपना गम सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट साझा करके कर रहे हैं। इसी बीच पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के केस में फंसी तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने इस हार के लिए बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, ईडी ने ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज के आवास पर छापा मारा। उन्होंने अपनी दूसरी पोस्ट में लिखा कि दूसरी खबर, अहमदाबाद स्टेडियम का नाम बदला गया। भारत जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम में विश्व कप का फाइनल हार गया। बीजेपी सरकार पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वह विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। पिछले कुछ वर्षों से ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच और छापे की कार्रवाई की है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई करती है।